सज्जाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल, आप सत जुड़े श्री हैं, अकाल बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं जानना चाहूंगी, हमेशा से आपके गुरुद्वारा रकाबगंज में गई थी, मुलाकात हुई थी आपसे और वहां पे लंगर चखने का मुझे मौका भी अवसर भी मिला था, लेकिन अब जो कोरोना का दौर है इसमें तो हमारे जो लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी संख्या 5 गुना बढ़ गई होगी। किस तरह से व्यवस्था की गई कि कोई भी जो आया लंगर के द्वारे वो भूखा नहीं गया, क्या क्या चुनौतियां थी आपके सामने? धन्यवाद निधि जी। पहले तो मैं आपको ये जरूर बताऊं कि हम इन चुनौतियों तो जूझते बहुत सालों से आए हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक नई तरीके की चुनौती इसलिए थी क्योंकि जब भी कभी आपदा आई है उसमें इंसान को जिस आपदा से वो निकल रहा उसका दर्द होता था, लेकिन यहाँ पहली बार हमने देखा कि वो कोविड से कम डर रहा था लेकिन भूख से ज्यादा डर रहा था। और एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो गई थी हमारे सामने, लोग गुरुद्वारे आ नहीं सकते थे और भूख के मारे चिल्ला रहे थे, जगह जगह से फोन आ रहे थे हमें यहाँ खाना पहुंचा दो, हमें यहाँ लंगर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती इसलिए भी थी क्योंकि कभी ऐसी व्यवस्था नहीं बनी थी कि जो काम करने वाले लोग हों हमारे साथ, चाहे वो हमारे लंगरी हों, चाहे वो हमारे सेवादार हों, चाहे वो हमारे पोर्टर हों जो लेके जाते थे, ड्राइवर हों, वो भी सब इस बात से राहत रहे कि उनको कोई कोरोना के पास ना जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता थी। लेकिन परमात्मा ने ऐसी कृपा की, आप भी सुनकर हैरान होंगे, आज भी आप दिल्ली में देख रहे हैं कि 70-80 हजार का आंकड़ा पार कर गया। गुरु साहब ने ऐसी कृपा की कि आज इसको 100 दिन से ज्यादा हो गए और इस 100 दिन के दौरान 1.25 करोड़ के आसपास लोगों तक हमने खाना पहुंचाया और इसके अंदर ज्यादातर दिल्ली सरकार के माध्यम से जाता रहा। और जो भी लोग हमारी सेवा में निरंतर लगे थे परमात्मा ने उनकी खुद रक्षा की और वो आज तक भी सभी लोग स्वस्थ हैं। बड़ा चैलेंज क्या था, जब वो लोगों के बीच में जाते थे तो मैंने ये देखा कि बहुत सेवाएं करने का मुझे भी मौका मिला क्योंकि मैं इस संस्था के साथ 7.5 साल से जुड़ा हूं इस सेवा में। हमने फ्लैश फ्लड्स भी देखे, हमने जम्मू कश्मीर के फ्लड्स भी देखे, हमने उत्तराखंड को भी देखा, हमने नेपाल का भूचाल भी देखा, हमने चेन्नई के, लेकिन ऐसा दर्द पहली बार हमने महसूस किया जब इंसान के पास शरीर है वो कुछ करके खाना चाहता है लेकिन ऐसी व्यवस्था ही नहीं रहेगी जो कुछ कमा के ला पाए। हमने उन लोगों को रोते देखा, हमने छोटे छोटे बच्चों को चलाते देखा रोटी के लिए। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज था, लेकिन हमारे जो सेवादार थे, मैं तो उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उन्होंने जो डटकर सेवा की और निडर होकर सेवा की और उस सेवा के चलते ही रोज कभी 1 लाख, कभी 1.25 लाख, कभी 1.5 लाख, 1.25 लाख लोगों तक का हमने खाना बनाकर लोगों तक पहुंचाने का काम किया। यस, मनजिंदर सिंह जी, व्हाट इज अमेजिंग, आई मीन वी आर जस्ट रियली सो इंस्पायर्ड बाय द वर्क यू डू इन योर एंटायर द कम्युनिटी, बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, इन दिस पर्टिकुलर लॉकडाउन इट्स बीन सो डिफिकल्ट to get supplies, how did you manage to get provisions like food etc in amazingly large quantities and then first get the quantities and then ensure everyone who's needy is helped? How did you manage that logistically, very tough in a lockdown? Dr. Saab, if I say in a very short words, as we have found Dr. Parnoy Roy to tell people how we have been working and how Sikh Gurdwara Management Committee and all Sikhs across the world are doing this seva. That's how we find people. And people across all the religion, made from Hindu, you will be shocked that not just Hindu, Musliman also, Sikhs also, Jaini also, people across the religion and not just Indian, across the world had been coming here, coming with the donations, coming with truckloads of food. There have been instances when people send us truck loads of four trucks of loads of food and said, kisne bheja ji, hame pata nahi, hame to bas kaha gaya wahan pe ye khana choda hai. So it is all due to the blessings of Guru Nanak Dev ji, due to the blessings of Guru Granth Sahib ji, and due to the blessings of people like you who came forward to help the people who are really, really the need of this hour, and they were crying with hunger, and this hunger and starvation was that bad that nobody could ever imagine that things could get that worse. That was the situation which we have seen without their eyes. Yeah, Manjinder ji, thank you so much for joining us. I can also share that the food served in langars is often absolutely delicious. In every single natural disaster I've covered, whether it is Uttarakhand, the tsunami, or even the Nepal earthquake, whenever you are hungry, you just went to a langar because there'd always be one. And the rule is the same. If you are still hungry, come back.
we'll give you some more. There was never any restriction. It's an incredible sense of generosity.